नमस्कार, मैं विवेक इटरनल एजुकेशन पे आप सबका स्वागत करता हूँ। हमने यूपी ट्रिपल एससी 2023 पेट के लिए एक रिवीजन सीरीज शुरू की है, जिसमें हमने पहली वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में जानेंगे, उसमें जैन धर्म में भी महावीर स्वामी के बारे में जानेंगे, इनकी जीवनी और शिक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये परीक्षा में पूछा जाएगा, इससे आपका एक नंबर कन्फर्म हो जाएगा। सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम देखते हैं जैन धर्म से जुड़े हुए, जिससे आपका पूरा कवर हो जाए और कम से कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। महावीर स्वामी जी जो थे, वो 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे जैन धर्म के। इनका अन्य नाम जिन, सन्मत, वर्धमान, वीर, अतिवीर, जिसमें वर्धमान इनका बचपन का नाम था, तो इसके बारे में याद रखिएगा। जीवन काल में जन्म इनका 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। मृत्यु इनकी 527 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई थी। उस समय इनकी आयु 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी माता का नाम त्रिशला है, पिता का नाम सिद्धार्थ था, ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे ये। पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री प्रियदर्शिनी और दामाद जमाली थे, वही इनके पहले शिष्य भी थे। मैंने इस तरीके से अरेंज किया है कि कम से कम शब्दों में आपको संपूर्ण ज्ञान मिल जाए उससे संबंधित, जितना एग्जाम के लिए आपका ज़रूरी है। अब इसमें भी ये है कि दिगंबर परंपरा के अनुसार इनकी शादी ही नहीं हुई थी, और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इनकी पत्नी थी, पुत्री थी और दामाद थे, वही इनके पहले शिष्य हुए थे। अब ये देखिए, इन्होंने गृह त्याग 30 वर्ष की उम्र में किया था। अगर आप इस महावीर स्वामी जी को बौद्ध धर्म से कनेक्ट करेंगे, गौतम बुद्ध से, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इन्होंने गृह त्याग 30 वर्ष में किया था, उन्होंने 29 वर्ष में किया था। इनको ज्ञान प्राप्ति जाम्भिक ग्राम साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे मिला, और उसमें इनको समय कितना लगा, 12 वर्ष का। उस समय इनकी आयु क्या थी, 42 वर्ष। वहीं पर अब उनको गौतम बुद्ध जी को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध गया में प्राप्त हुआ, और कहा किस वृक्ष, पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। और उनको 6 वर्ष का समय लगा था, महावीर स्वामी जी को 12 वर्ष का समय लगा। वो 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त करी, ये 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ इन। इन्होंने अपना, महावीर स्वामी जी ने पहला उपदेश कहाँ दिया, राजगृह में दिया, और गौतम बुद्ध जी ने सारनाथ में दिया था। अब जैन धर्म से जुड़े सिद्धांतों के बारे में आते हैं। जैन धर्म से जुड़े 5 सिद्धांत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अस्तेय का मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह का मतलब जरूरत से ज़्यादा संचय न करना। महावीर स्वामी जी ने अहिंसा को सबसे प्रमुख माना है, सभी सिद्धांतों में सबसे प्रमुख माना है महावीर स्वामी जी ने अहिंसा को। और ये जो ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था, ये महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया था। और इसके पहले जो थे जैन धर्म में 4 ही सिद्धांत थे, तो वो भी चारों सिद्धांत ऋषभ देव के द्वारा, जो आदिनाथ के नाम से जाने जाते हैं, उनके द्वारा जोड़ा गया था, उनके द्वारा सिद्धांत बनाए गए थे। तो इसमें इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था। अब जैन धर्म के त्रिरत्न पे आते हैं। 3 रत्न क्या है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, इसके बारे में पूछा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। जैन धर्म की शाखाएँ जो हैं, एक दिगंबर परंपरा जिसमें नग्न रह के को करते हैं, भद्रबाहु के अनुयायी जो थे वो दिगंबर परंपरा शुरू हो गई, श्वेतांबर परंपरा स्थूल भद्र के जो शिष्य थे वो द्वेगा श्वेतांबर परंपरा को मानते हैं, इसमें श्वेत वस्त्र धारण किए हुए रहते हैं लोग। और अन्य तथ्य देखते हैं जैन धर्म से जुड़ा हुआ। जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे, जिनको आदिनाथ के नाम से भी हम जानते हैं, और महावीर स्वामी से जस्ट पहले 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। और इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, सम्मेद शिखर पर हुई थी। जैन धर्म जो है आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष, वर्ण व्यवस्था, इन सब में विश्वास रखता था और अभी भी रखता है, हालांकि ये धर्म भी है। स्यादवाद और अनेकांतवाद का संबंध किससे है जैन धर्म से, जब भी आप स्यादवाद और अनेकांतवाद देखेंगे तो समझ जाइएगा कि जैन धर्म से संबंधित ये है। अब यहाँ पर देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन अनुयायी था, और जो इनका फिर चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज ही अशोक जब आया तो वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और जैन साहित्य के बारे में पूछा जाए तो 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद्र सूत्र और 4 मंगल सूत्र हैं। बस इससे ज़्यादा जैन साहित्य के बारे में आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा।
वन डे एग्जाम्स में। जैन संगीतियों के बारे में चर्चा करें तो पहली संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी स्थूलभद्र के समय में, और द्वितीय स्थूलभद्र थे उसमें अध्यक्ष, और दूसरी 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुई थी क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में। अब देखिए पहली और दूसरी में कितना डिफरेंस है, ये 300 ईसा पूर्व है और ये 512 ईस्वी है, तो 800 वर्षों का अंतर था लगभग। तो जैन धर्म के जितने भी मुख्य थे, जैन धर्म हमने महावीर स्वामी के अन्य नाम जान लिए, जीवन काल के बारे में जान लिया, इनके सिद्धांतों के बारे में जान लिया, और त्रिरत्न के बारे में जान लिया, शाखाएं कौन सी थी वो जान लिया, इससे जुड़े हुए जो अन्य प्रमुख तथ्य थे उनके बारे में जान लिया, जैन संगीति के बारे में जान लिया। हो गया इतना ही आपसे जैन धर्म से जुड़ा हुआ पूछा जाएगा, इसको आप याद रखेंगे तो ये आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा, आप कम समय में ही ज़्यादा की तैयारी होगी। और आप अब इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का, जल्द ही वो भी आ जाएगी। इससे ऐसे ऐसे करके मैं पूरा टॉपिक्स को कवर कर दूंगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में रिवाइज करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।